ओम शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः, ओम शिव परिवाराय नमः। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सदा सुखी रखे। डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी केस है। कहाँ? कैजुअल्टी में। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। मधु मेरी बेटी, ये क्या हुआ? क्या बेहूदगी है, कोई मजाक है? और आप सब लोग मिले हुए हैं? इनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मगर ये सब करने की जरूरत क्या थी? पता है आपको ढूंढना और मिलना कितना मुश्किल होता है? मुझे जरूरत थी कुछ पैसों की। मैं पास हो गई हूँ और मुझे अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। मैं तो वाकई डर गया था। लो फेस्टिंग, लो। थैंक यू।
मजा चखाती हूँ। मर गए। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। अखबार के होल में से क्यों झांक रहे थे? वो जी वो सिगरेट से पेपर में होल हो गया था, उसी को देख रहा था। झूठे कहीं के, सच सच क्यों नहीं कहते कि मुझे देख रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे? जी डर लगता है। किससे? मुझसे? सारे शहर में तो बदनाम कर दिया, सब सहेलियों को भी पता चल गया। किस बात का? अब बनो मत। अच्छा ठीक है, तुम कल क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो ठीक है, फिर लवर्स पॉइंट आ जाओ ना, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। बच्चू कल आना, तो दिमाग ठीक ना किया तो मधु नाम नहीं। इस लड़की का तो दिमाग फिर गया है, सारा वक्त इतना मस्ती करना क्या अच्छा बात है। पिछला हफ्ता खटमल मारने का दवाई का बोतल में कोको कोला डालकर पी लिया और ऐसा नाटक किया कि हमारा हाथ पांव ठंडा हो गया, हमको तो चक्कर आ गया सर। और फिर हमको प्यार से क्या बोलता है मालूम? नहीं नहीं, तुम पन ये दवाई पी लो, इस सुखी संसार से तुमको सुखी संसार नहीं दुखी संसार में से। ओके, सुखी संसार से नहीं दुखी संसार से छुट्टी मिल जाएगा। पर सर अभी हमको मधु का कोई पन बात पर यकीन नहीं आता, वो कब झूठ बोलता है कब सच बोलता है कुछ पता नहीं चलता सर। हमने उसको वो शेर आया वाला कहानी पर सुनाया, मालूम हमको क्या बोला? बोला मिसेस पिंटो जब शेर आएगा तो हम उसका कान पकड़कर उसको अंदर बंद कर देगा। सर्कस में? बस इसीलिए बिफोर वो किसी को बंद करे आप उसका शादी करा दो। शादी? और उसकी? मिसेस पिंटो मुझे तो लगता है कि वो शादी के मंडप में आपको बिठा देगी और खुद चली जाएगी पिकनिक पे अपनी सहेलियों के साथ। हमको शादी के मंडप में बिठाने का मिसेस पिंटो मंडप मंडप मेंढक एक ही बात है, हम जो बोलता है वो तो आप समझ गए। समझता है तो फिर एक बात और पन समझ लीजिए। समझाओ। मधु अब बहुत बड़ा हो गया है, उसका हाथ नीला करना ही मांगता है। नीला नहीं मिस पिंटो, पीला, मेहंदी मेहंदी। ओके, नीला पीला लाल कुछ भी कर दीजिए पर उसका शादी कर दीजिए। मधु को अब हम नहीं संभाल सकता। ओके, बहुत रात हो गया, हम जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट मिसेस पिंटो। जरा देर हो गई। नहीं नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई तुम आ गई हो, मैंने सोचा शायद तुम मजाक। मजाक? तुम इसे मजाक समझते हो? मैं तो सारी रात सोई नहीं खुशी के मारे और यहाँ भी वक्त से पहले आ गई। सॉरी मधु, लेकिन ये फूल तुम्हारे लिए। ओह,
मेरे लिए? हाँ हाँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा महेंद्र। मेरा नाम महेंद्र नहीं, सुरेंद्र है। ओह, माफ करना, नाम भूल जाती हूँ ना मैं। ये फूल तुम वाकई मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह, मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना वीरेंद्र? मेरा नाम वीरेंद्र नहीं, सुरेंद्र है। हाँ वही, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ ना प्लीज। कैसे, क्या करूं? कुछ भी करो, तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले सकती हो। इतना प्यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मेरी उंगली काटो। तुम तो चूस रहे हो, जरा जोर से काटो। तुमने तो गन्ना समझ कर मेरी उंगली चबा ली। एनीवे, तुम्हें जोर से तो नहीं लगा ना? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो स्वीट। मेरी उंगली के कटने और थप्पड़ की आवाज से इतना तो पता चल ही गया कि मैं जाग रही हूँ, मगर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम मुझे कितना प्यार करते हो जोगिंदर? जोगिंदर नहीं, सुरेंद्र। ओफो, तुम मुझे प्यार कितना करते हो? जान से भी ज्यादा। मैं प्यारी या जान? तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? हाँ। आसमान के तारे तोड़ोगे? तोड़ूंगा। समुंदर से मोती निकालोगे? निकालूंगा। यहाँ से नीचे कूदोगे? कूदूंगा। जितेंद्र? ओफो, मेरा नाम। हाँ हाँ धर्मेंद्र, यहाँ से कूद के दिखाओ। कूदता हूँ। कूदता हूँ? अरे कूद के दिखाओ। हाँ हाँ कूदता हूँ। तुम वाकई सीरियस हो? अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दो रविंदर। अभी तक तुम्हें मेरा नाम? कूद के दिखाओ राजेंद्र। इतनी बार नाम बताने से तो कूदना ही बेहतर है। कूद गया तो क्या हुआ? हुआ ये कि उस बेचारे की दोनों टांगे टूट गई। बस? जी बस नहीं, उसका घुटना भी निकल गया है, प्लास्टर में पड़ा हुआ बेचारा। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहा हूँ कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेवार आप हैं। मैं? जी आप। क्या जरूरत थी उसे कूदने के लिए कहने की? मैं तो सिर्फ उसका आत्मविश्वास देख रही थी। मैं देखना चाहती थी कि जो वो कह रहा है वो कर सकने की उसमें हिम्मत है कि नहीं। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि जो वो कह रहा था वो कर भी सकता है, मगर। मगर क्या? मगर ये कि जितना मजबूत उसका दिल है ना, हाँ। उतनी ही कमजोर उसकी टांगे। ओह शट अप सिली गर्ल। अरे सवाल आपने किया, जवाब मैंने दिया, फिर शट अप सिली गर्ल क्यों? इसलिए कि अगर वो मर जाता तो? मर जाता तो ये शिकायत आपके पास नहीं आती, और मुझे यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। मधु बेटी, तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्ची रहती है। आप ही तो मेरे माँ बाप हैं, क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? हल्का सा, मगर हाँ बोझ। जब कोई माँ बाप या अंकल अपनी बच्ची या बच्चे को गोद में ना उठा सके तो समझ लेना चाहिए कि अब वो औलाद बड़ी हो गई है, और अगर उस औलाद को उठाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कमर की हड्डी भी टूट सकती है या खिसक सकती है। इसलिए माँ बाप अपने बुढ़ापे पे तरस खा के अपनी औलाद का बोझ किसी और के हवाले कर देते हैं, मतलब ये कि किसी नौजवान के हवाले, ताकि वो अपनी मजबूत कमर पे उनकी औलाद का बोझ उठा ले और उनका बोझ कम हो जाए। तो इस लीगल ट्रांसफर को कहते हैं शादी। इसलिए हमने फैसला किया है कि जल्द से जल्द आपकी शादी करा लें। हाँ, हाँ, सेल्फिश, हद हो गई खुदगर्जी की। अंकल, आप अपनी हड्डी बचाने के लिए किसी दूसरे की हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? माय गॉड, अपनी लाडली इकलौती बेटी का बोझ आज के वनस्पति नौजवान के कंधे पे डालना चाहते हैं, जो 10 फीट की ऊंचाई से कूदकर अपनी कमजोर टांगे तोड़वा डाले? नो अंकल, नेवर। मैंने तो फैसला कर लिया कि जीऊंगी या मरूंगी तो सिर्फ आपकी गोद में। गुड लक। भाई कपूर, फैसला तो तुम्हें ही करना है। मेरे फैसला करने से क्या होगा? हाँ तो उसे करनी है। एक काम करते हैं, संडे को तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मधु को साथ लेते आओ, प्रकाश भी वहीं होगा, और दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे, शादी की बात भी हो ही जाएगी। शादी की बात ना करो सुरेश, वरना शामत आ जाएगी। तुम ये करो, प्रकाश की एक तस्वीर मुझे दे दो, मैं तस्वीर उसे दिखा दूंगा और उसका रिएक्शन ले लूंगा। छोटे भाई की एक तस्वीर तो मेरे पास है, ये लीजिए।
वाह, कब बताएंगे आप? कल, कल मधु यहाँ आ रही है और मैं उसको तस्वीर दिखा दूंगा। बात खत्म। सर, आपके लिए 4-5 दफा फोन आ चुके हैं, आप एक बार घर पे फोन कर लीजिए। सर फोन देन, ये लीजिए। हेलो मधु अंकल। हाँ अंकल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है अंकल। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। कब से क्लब में इंतजार कर रही हूँ। मैम साहब, मैम साहब। क्या? डॉक्टर साहब कार रिवर्स कर रहे थे, सामने से ट्रक आ गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? नोटी नोटी अंकल। गुड मॉर्निंग मिसेस पिंटो। गुड मॉर्निंग। मधु बिटिया, क्या फैसला किया आपने? किस बात का? भाई वो जो कल तस्वीर आपको दिखाई थी विजय कपूर की, उसका। ओह, वो विजय कपूर जी। उसका फैसला तो मैंने रात को ही कर लिया था। गुड, मतलब ये कि आखिर तुमने लड़का पसंद कर ही लिया। हाँ अंकल, सिर्फ एक कमी है। क्या? उस बेचारे का जो वो हुलिया है ना। हाँ। वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। हुलिया बदलना? हाँ। हुलिया तो शादी के बाद उसका बदल ही जाएगा। हाँ वो तो बदल ही जाएगा, लेकिन आप पहले उसको ये तस्वीर भिजवा दीजिए, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। ये क्या है? वो है आपके कल वाले विजय कपूर। दरअसल अंकल हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के अंदर एक फोटो और इश्तेहार देखा। किसी डाकू की फोटो थी और वांटेड लिखा था, साथ में 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। तो जब मैंने ये तस्वीर देखी ना, तो मुझे शक पड़ा कि कहीं ये वो तो नहीं। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने इसकी ये मुझे बना दी। अंकल आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लाइए मैं इसे वॉशिंग पाउडर से धो के लाती हूँ। मधु, हद होती है यार मजाक करने की। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करो, मगर इस तरह लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं लोगों से कह दूंगा कि मधु शादी नहीं करेगी, मगर तुमसे मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा। डॉक्टर साहब नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री मिसेस बिंटो। अब क्या हुआ बेबी? आज मैं जवान हो गई हूँ। क्या? हाँ, डॉक्टर कपूर की बेटी आज जवान हो गई है। सारे शहर के लड़कों के माँ बाप की आंखें फट गई हैं। मेरे जवान होने से सारे शहर में तूफान आ गया है। पहला तो हमको शक था, पर अभी यकीन हो गया कि तुम्हारा भेजा फिर गया है। तुम दुनिया का पहला लड़की नहीं जिसका शादी का बात। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। अगर मैं तुम सबके लिए बोझ बन गई हूँ तो चली जाऊंगी छोड़ के। बहुत अच्छा बात बोला बेबी, बहुत अच्छा। हमको तो तुमको बोलने का कोई हक नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारा नैनी है, तुम्हारा नौकर। ऐसा मत कहो नैनी। जो बात सच है हम वही बोलता है, हमारा नहीं तो कम से कम तुम्हारा डॉक्टर अंकल का बात सुन लो, जिसने तुम्हारा मरता हुआ माँ बाप को प्रॉमिस किया था कि वो तुमको औलाद का माफिक पालेगा। जानती हो उसने अपना शादी क्यों नहीं बनाया? सिर्फ तुम्हारे वास्ते, ताकि उसका प्यार में कोई कमी ना हो। उसने तुम्हारा हर बात हर जिद पूरा किया है, और अब जब वो तुम्हारी शादी के वास्ते कोशिश करता है तो उसको हैरान मत करो बेबी, वो जीता है तो सिर्फ तुम्हारा वास्ते। उसका बात मान लो बेबी प्लीज, उसका बात मान लो। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है। कॉफी डॉक्टर। थैंक यू सिस्टर। सुबह से 4-5 कप कॉफी के हो चुके हैं, लगता है अभी तक सर का दर्द कम नहीं हुआ। दवा भी ली मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो, डॉक्टर कपूर के लिए फोन है। सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसका है? किसी मधु का। किसी मधु का? कह दो हम बिजी हैं डॉक्टर। तो नहीं, 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 ला, ला।
मैं मधु बोल रही हूँ अंकल। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया, कहो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो ना। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है, कहो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा, फिर से कहो। अंकल मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। रियली? तो तुमने बताया क्यों नहीं? आपने मौका ही कब दिया, हर वक्त तस्वीरें दिखाते रहे और रिश्ते लाते रहे। मैं समझी शायद मेरे इनकार से आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। वो लड़का है कहाँ? यहीं पर है, मेरे सामने। कहाँ? घर पर। आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी। नहीं 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 नहीं, तो तुम उस लड़के को घर पे ही रखो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। आप कितनी शक्कर लेंगे? आधा चम्मच? ये लीजिए। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये नमकीन बिस्किट लीजिए ना प्लीज, शर्माइए मत। आहा भाई, हम भी तो देखें अपनी मधु बेटी की चॉइस। क्या आप कहाँ भागी जा रही हैं? अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं करवाइएगा? अंकल इनका नाम अविनाश है। हेलो अविनाश। अंकल दामाद कैसा लगा? कहीं नहीं, डॉक्टर कपूर तब तक नहीं मरेंगे जब तक आपकी डोली नहीं निकलेगी। सपने? सपने नहीं, सच्चाई। आपने मेरी हर बात मानने की कसम खाई है। आपने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। उल्टे लोगों के साथ उल्टे ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी। मिसेस पिंटो, यस, हम अखबार में इश्तेहार दे देंगे इसके लिए। मेरी एक शर्त है। कोई शर्त नहीं थी। क्यों? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है, तो फिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मधु बाबा, तुम्हारा आखिरी विश क्या है? मिसेस पिंटो, इसकी बात ना सुनिए वरना फिर ये कोई बहाना कर देगी। प्लीज अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मुझे शादी से और लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। आप भूल गए मेरी सहेली नीना को? उस बेचारी की शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। मुझको डर लगता है। मगर बेटे, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बेबी ये सब लक का बात है, जिधर शैतान होता है उधर भगवान पर होता है। तो ठीक है, मैं शादी करूंगी। गुड। लेकिन इश्तेहार मेरी मर्जी से दिया जाएगा। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। देखती हूँ कि मेरे नसीब में शैतान है या भगवान। जूता देखा? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। कैसे चले आप? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। नेक्स्ट। That is all right. May I come in, sir? Yes. Good morning, everybody. Good morning. Have a seat, please. Thank you, sir. File, please. Yes, sir. BSc first class. Or sportsman bhi ho? Ji. Khair. Any recommendation? Ji. Mera matlab hai, koi sifarish hai tumhare paas? Ji. जी नहीं, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं।
माँ पानी पी ले माँ बेटा नौकरी मिल गई नहीं माँ आज सब लोग सिफारिश मांगते हैं माँ सब लोग सिफारिश मांगते हैं सिफारिश कौन करेगा डिग्री जरूरी है या सिफारिश डिग्री से नहीं माँ अब तो सिफारिश से ही नौकरी मिलती है अब तू ही बता मैं ये सिफारिश कहां से लाऊं माँ अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा ऊपर से तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ मुझसे देखी नहीं जाती मैं ठीक हूं बेटे तू मेरी फिक्र मत कर फिक्र कैसे ना करूं माँ तेरी ये बीमारी हमारी ये गरीबी ये हालत ये बेकारी क्या हमारे नसीब में यही सब कुछ लिखा है माँ सब ठीक हो जाएगा तू फिक्र मत कर बेटे सब ठीक हो जाएगा तेरा नसीब भी बदलेगा भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं अरे हाँ रहीम चाचा ने तुझे बुलाया है रहीम चाचा ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नमस्ते चाचा आओ विशाल मियाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था नौकरी मिली या नहीं नहीं चाचा फिक्र मत करो दूसरी नौकरी मिल जाएगी हिम्मत रखो हिम्मत मर्दा मदद खुदा अब तो हिम्मत भी साथ छोड़ चुकी है चाचा चाचा के होते हुए आखिर ऐसा कब तक चलेगा चाचा सिफारिश के बिना तो नौकरी नामुमकिन है और फिर ऊपर से माँ की बीमारी माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो कमरू को भेजा दवा लाने के लिए आता ही होगा तुम तलाश जारी रखो हाँ ये अखबार है जरा इसमें भी देख लो नौकरी के साथ एक रिश्ते की भी बात है मुझे समझ नहीं आती है एक बड़े घर की लड़की के लिए रिश्ते की जरूरत है लड़की अक्सर बीमार रहती है जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं क्या सोच रहा है विशाल बड़े घराने की लड़की है इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा नहीं बेवकूफ मत बन मौके का फायदा उठा ये तो सौदेबाजी है सौदा कहेगा अगर बड़े घर वाले सौदा कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता नहीं नहीं ये तो सरासर बेईमानी है गलत बात बीमार लड़की से शादी करके तेरी जिंदगी भी तो झन्नुम हो जाएगी अगर वो लोग बीमार लड़की को खुश करने के लिए उसकी शादी रचाकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं तो तू भी तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है फर्ज वो कैसे उनकी दौलत की लालच से बेवकूफ दौलत नहीं उस घर से तुझे सिफारिश मिल सकती है किसी बड़े अमीर आदमी की सिफारिश होगी तो तेरी बीमार मां की जिंदगी होगी और मां की खातिर तुझे यह सिफारिश हासिल करनी ही होगी विशाल मगर मेरी तरह ना जाने और कितने लोग वहां होंगे जब से अखबार में इश्तेहार देखा है हमारी रातों की नींद उड़ गई है वो क्यों सिर्फ ये सोचकर कि वो कब हमारी बहू बनेगी और कब हम उसके घर रहने के लिए जाएंगे क्यों आपका कोई घर नहीं है घर है तो सही हाँ। लेकिन हमने दलाल से बात की है जैसे ही शादी होगी हम घर बेच देंगे
देखिए आपका फोन नंबर हमारे पास है तो हम आपको फोन कर देंगे। फोन तो पड़ोसियों का है ना, जब से उनके कानों में बीमार और दौलतमंद लड़की की खबर पड़ी है हमें फोन पर बुलाना ही बंद कर दिया है, इसलिए अभी बता दीजिए ना। तो शोभा जी गौर से सुन लीजिए, बात नहीं बनेगी। अरे आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपका कमीशन तो हमने पहले ही सोच के रखा है। कमीशन नेक्स्ट। अरे सुनिए तो नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट नेक्स्ट, इश्तेहार क्यों देते हैं, लोगों को बुलाते क्यों हैं, लड़की वाले हो। अरे झूले लाल माई बेराई पार। अरे ये क्या करता तुम लोग, आप जैसी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मरती हुई बच्ची के लिए इतना बड़ा बलिदान। तुम अपना सारा दुख दर्द हमारे जोली में डाल दो और तुम सुखी हो जाओ माताश्री। बड़ी ये माताश्री बच्ची की नहीं है, अब तुम बैठ जाओ। आओ आओ बैठ जाओ बड़ी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची की माताश्री नहीं है। अच्छा बड़ी ये बीमार बच्ची है क्या? मैं तो पहले ही कहती थी बीमारी में बच्ची के बाल सफेद हो गए हैं, वैसे उम्र तो कम लगती है। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल ये बच्ची की नानी है। नानी है, अभी भी जवान लग रही है। वही वो आप पास बंद कर। अच्छा मम्मी तुम बात करो। फरमाइए। फरमाना क्या बड़ी, शादी का मुहूर्त जल्दी निकालो। नी मुहूर्त रहने दो, हम तो शादी करके ही जाएंगे। मधु बेटी इस एप्लीकेशन में मुझे कुछ बात लगती है। नाम है विशाल, ग्रेजुएट है, बेकार है, बाप है नहीं और माँ बीमार रहती है, बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है। खुद के पास खाने को पैसा नहीं और शादी करने को चला। स्टूपिड, सब के सब धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। मगर ये धोखेबाज नहीं है वरना सच क्यों लिखता। अंकल ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है, हमदर्दी हासिल करके वो घर में घुसना चाहता है। यस बिल्कुल ठीक बात है, इतना लोग आया पर सबका सब फ्रॉड। बट ही इज नॉट ए फ्रॉड, देखो कितना मासूम चेहरा, देखो सूरत से तो ठीक ही लग रहा है। तो मिल लेने में क्या हर्ज है। ठीक है देख लेते। नमस्ते जी, मेरा नाम विशाल है। आओ विशाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। जी जी मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, वक्त के बहुत पाबंद लगते हो। आप बैठो। जी मैं बैठो भाई। क्या पियोगे, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं सिर्फ पानी। अरे भाई पानी भी पी लेना मगर उसके बाद कॉफी या चाय, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। जी चाय पी लूंगा। नंदू जी पहले साहब के लिए पानी लाओ और उसके बाद शानदार गर्मा गर्म चाय। अच्छा जी। तो विशाल मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी, जो कुछ तुमने लिखा था बहुत गौर से पढ़ा, इससे एक बात जाहिर हुई और वो ये कि तुम इस वक्त बड़े परेशान हो, एक तरफ माँ की बीमारी दूसरी तरफ तुम्हारी बेकारी, तो इस हालत में तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मतलब ये कि तुमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा और मालूम हुआ कि एक अमीर घराने की एक लौटी बेटी है, काफी बीमार रहती है, कुछ ही दिनों की मेहमान होगी हैं? और उसके बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारी होगी और तुम अपनी बाकी जिंदगी शान शौकत और आराम से गुजारोगे, है ना? लेकिन इश्तिहार में पूरी तफसील नहीं लिखी गई। लड़की की बीमारी का नाम है कैंसर। क्या समझे? और फिर शादी की कुछ शर्तें। पहली शर्त, शादी के बाद लड़की के घर पर रहना होगा। दूसरी शर्त, लड़की का हर वक्त ख्याल रखना होगा और उसे खुश रखना होगा। तीसरी शर्त, लड़की का कारोबार संभालना होगा, सिर्फ संभालना, और इस काम के लिए तुम्हें एक तनख्वाह मिलेगी। चौथी शर्त, लड़की की सारी दौलत और जायदाद पे सिर्फ उसका हक होगा, वो जिस तरह चाहेगी उसे इस्तेमाल करेगी, किसी और का दखल नहीं, और उसकी जिंदगी के बाद ये सारी दौलत एक अनाथ आश्रम जाएगी अगर उसने वसीयत ना की तो। पांचवी शर्त, वसीयत लड़की अपनी मर्जी से करेगी और सिर्फ खानदानी वकील के सामने, समझे? और कुछ? बस और कुछ नहीं।
जी मुझे लड़की की जायदाद और दौलत से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए उससे। कुछ नहीं चाहिए उससे, यानी बगैर किसी मतलब के तुम शादी करोगे उससे? गलत युग में पैदा हुए तुम विशाल, सतयुग की कथाओं से निकलकर तुम ये कलयुग में कैसे आ गए? मैं सतयुग की किसी कथा का कोई पात्र या किरदार नहीं हूं साहब, मैं तो इस कलयुग की एक बीमार मां की आखिरी उम्मीद हूं, जिसने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और अपनी जान को कई रोग लगा लिए। उसकी उम्मीदों को डिग्री के रूप में लेकर मैं ना जाने कहां कहां नहीं भटका, लेकिन हर जगह से सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला मुझे। नौकरी के कॉलम के साथ आपके इश्तेहार पर नजर पड़ी तो सोचा कि एक बड़े घर की बेटी है, अगर शादी हो गई तो कम से कम उस बीमार की सेवा के बदले में एक बड़ी सिफारिश तो मिल ही जाएगी। सिफारिश? जी हाँ, सिफारिश। आज मुझे डिग्री या डिप्लोमा के बजाय सिर्फ एक सिफारिश चाहिए। अगर सिफारिश होगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो मां का इलाज होगा, और मां की अच्छी सेहत और सुख के लिए मैं अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सेठ साहब, अगर आपकी लड़की की वजह से मेरी मां को नई जिंदगी मिली तो मैं उसके रास्ते के हर कांटे पर अपना हाथ रखूंगा। जितनी भी जिंदगी आपकी बेटी के नसीब में है मैं उसे खुशियों से भर दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। ये सब कुछ तुम अपनी मां की खातिर करना चाहते हो? जी हाँ। खुशकिस्मत है वो मां जिसने इस युग में भी सतयुग के बेटे को जन्म दिया। आप बैठो। जी जी आप। हाँ भाई रख दो। अच्छा नंदू, मिसेस पिंटो से कहो कि बेबी मधु को ले आए। दूध? जी बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। डॉक्टर साहब। मधु बेटे ये हैं विशाल। ओम चंद्रो देवाय स्वाहा, ओम मंगलो देवाय स्वाहा, ओम गजानन। जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल राम और सीता की। चुप चुप चुप, सदा सुहागन रहो बहू। मेरे विशाल के जीवन में सुख और शांति लाने वाली को आज आशीर्वाद के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्लेसिंग से बड़ा और क्या चीज हो सकता है? आपने आशीर्वाद दे दिया बस। आशीर्वाद नहीं मिसेस पिंटो, आशीर्वाद। हाँ, हाँ, बात तो समझ में आ गया। बेटा जा, बहु रात तक रही होगी। वो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत? बस कर बेटा, जाना मैं सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम सो जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जा तू अब जा। अच्छा मां। विशाल अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटे, तुम्हारी राह तक रहा था। जी कहिए बेटे। ये कुछ दवाइयां हैं मधु के लिए, इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि वो बीमार है। ये सुहागरात बस दिखावे की सुहागरात है, किसी हालत में मधु को मां नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना? जी अंकल। बी केयर। हाँ जी। गुड नाइट। गुड नाइट।
ये क्या कर रहा है? हमले की तैयारी? मर गए। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत खराब है। दवा दी अंकल ने? खा लीजिए। नहीं नहीं मैं खा चुकी हूँ। अच्छा किया, नींद नहीं आ रही? आ रही है बहुत जोरों से। तो फिर सोएं? हाँ। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं, नहीं 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 नहीं, उसकी क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है, अच्छे लगते हैं। ओके। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब ये क्या करने वाला है, कैसे भगाऊं इसे? आज तो मर गए, क्या करूं? सो जाओ। चलो, बेचारे की सुहाग रात को बैराग की रात में बदल ही दिया। सुनिए। अब क्या हुआ? जी मैं आपको गुड नाइट कहना तो भूल ही गई। गुड नाइट। गुड नाइट। मधु बेबी बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी। बेबी हम कितना खुश है कि तुम्हारा शादी हो गया, खुशी का मारे हमको नींद पर नहीं आया, रात भर सोचता रहा कि तुमको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। कल तुम्हारा सुहाग रात था, अच्छा था ना? हाँ एक्सलेंट, मजा आ गया नैनी। रियली? हाँ, सारी टेंशन ही निकल गई, बदन पूल की तरह हल्का हो गया। चुप भी रहो बेबी, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं रहा। अरे इसमें शर्म की क्या बात है नैनी, सच तो कह रही हूँ। सच तो सारा वर्ल्ड जानता, ढोल बजाने का क्या जरूरत, सबको मालूम है कि सुहाग रात को क्या होता। धत तेरे की, जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है नैनी, मैंने सुहाग रात को बैराग की रात में बदल दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि वो जिंदगी भर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, बेचारा जाके सोफे पे सो गया। What? Of course, विटामिन के टैबलेट्स को वो कैंसर की दवाई समझ रहा है। बेबी ये बात अच्छा नहीं है। अब अच्छा है या बुरा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि बड़ा मजा आ रहा है। अंकल ने भी क्या नाटक किया नैनी। तुम और तुम्हारा अंकल दोनों को न जाने कब अकल आएगा, किसी बेचारे का ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है बेबी। हम जाकर उसको सब बता देगा। ओ नो नैनी, सब गड़बड़ कर दोगी, थोड़ी देर तो मजा लेने दो। तुम दोनों मजा करो और वो बेचारा छोकरा। जी जी मैं। जी हाँ आप विशाल, आज से इस कुर्सी के मालिक आप हैं, समझा? और इस कंपनी की बागडोर आपको संभालनी होगी। मधु के डैडी मेरे दोस्त विक्रम खन्ना इस पे बैठा करते थे, आज उनके दामाद विशाल बैठेंगे। आइए बैठिए, हम देखें सही कि आप लगते कैसे हैं इस कुर्सी पर। बैठो भाभी, डरने की क्या बात है, आओ। राइट, गुड गुड गुड। Oh,
कहूँ बस, अब मैं बहुत थक गई। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान तो चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कब निकलेगा? देखते हैं। अच्छा, एक महीना हो गया है, बेचारे की हालत सांप छुछुंदर जैसी है, न उगल सकता न निगल सकता है। तो शादी करने के लिए भी वही मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। अब बस भी कर, बता दे उसे ये सब झूठ है। चुप, मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। तो तू कर लेना उसे शादी। आ जाने दो उसे, बात कर लेते हैं। अरे बापरे, 5 बज गए, चलो तुम लोग किसको यहाँ से विशाल लेने वाला है? अपने बलमा का कैसा इंतजार हो रहा है? ओ शट अप एंड गेट लॉस्ट। चलो ओके बाय। गुड इवनिंग नैनी। गुड इवनिंग। आ गए बेटा। हाँ, मधु कहाँ है? अपना रूम में। अच्छा, बेचारा थक कर आया है और अब शुरू होगा दूसरा नाटक। बेटा तू आ गया। हाँ माँ, कैसी तबीयत है अब तेरी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। भला हो बेचारी बहू का, जो मेरा हर वक्त ख्याल रखती है। कौन? मधु। और कौन सी है मेरी बहू? आज तो उसने हद ही कर दी, खुद भी बच्चों की तरह भागती रही और मुझे भी भगाती रही। क्या? हाँ, रोज सैर कराने ले जाती है मुझे। आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कभी बीमारी नहीं थी। हाथ पकड़ कर बोली, तेज तेज भागो। उसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो खुद भी तो मेरा मतलब है, तुम बीमार रहती हो ना, इसलिए। मैं तो भली चंगी हूँ, तू अब मेरी चिंता छोड़। तेरी चिंता कैसे छोड़ू माँ, तू ही तो मेरा सब कुछ है। अरे हाँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, मेरी पहली तनख्वाह माँ, रख ले। चुक चुक जियो मेरे लाल, लेकिन बेटी ये पगार अब तू मधु को दे दे। क्यों, मधु को क्यों? इसलिए कि वो तेरी पत्नी है बेटी, पति की कमाई पर उसकी औरत का हक होता है। और मेरी अच्छी अच्छी माँ का कोई हक नहीं होता? माँ को तो अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, वो तो मुझे मिल रहा है। ले बेटी, ये तनख्वाह तू मधु को दे दे, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या है? ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। वेरी गुड। माँ को देने गया था, माँ ने कहा कि अब यह तनख्वाह तुम्हें दे दूं, क्योंकि इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और हाँ, किसने कहा था माँ के साथ इतनी भागदौड़ी करने के लिए? तो माँ ने बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिया, मगर जब तुम्हारी खुद की तो भी ठीक ना हो। मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी मधु? मैं तो माँ को खुश कर रही थी, उनकी सेवा से बहुत सुख मिलता है मुझे। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ के साथ हंस बोल? नहीं मधु, मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे वो मेरी माँ है, वैसी तुम्हारी भी, तुम्हारा भी उतना अधिकार है उन पर जितना कि मेरा। तुम नहीं जानती मधु, माँ की सेवा करके तुमने उनके और मेरे मन में अपने लिए कितनी इज्जत बना ली है। मगर प्लीज अपना भी ख्याल किया करो, तुम खुद कितनी कमजोर हो गई हो। चलो दवा पी लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मधु, वेरी गुड। मुझे तो लगता है मैं वाकई बीमार हो गई हूँ, उसका जब दिल करता है कैप्सूल खिला देता है, विटामिन की गोलियों का ओवरडोज हो रहा है, सारे बदन से कपड़ों से दवाइयों की बदबू आने लगी है, तंग आ गई हूँ मैं। जैसी करनी वैसी भरनी, बीमारी का बहाना तुमने किया था,
अभी लौट तो होगा। दवाइयाँ तो बंद हो सकती हैं। झूठ को सच बनाने के लिए कड़वी दवाइयाँ तो तुम्हें पीनी पड़ेंगी। इसका सीधा इलाज ये है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। नहीं, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। दिन रात वो जो मेरी सेवा कर रहा है सारी खुश हो जाएगी। अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस पिंटो। आप भी तो इसका साथ मिलकर नाटक करता है। बच्चा का साथ में बच्चा बन गया। हम क्या करेगा मिसेस पिंटो, मधु ने फंसा दिया हमें। हमें तो ये भी नहीं मालूम कल ये बात खुल जाएगी तो हम विशाल को जवाब क्या देगा। इसीलिए तो हम बोलता है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। हाँ यार मधु बता दो ना सब कुछ। ना बाबा ना, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। देखा हम क्या बोलता है और ये क्या जवाब देता है। हम विशाल को बताने का बात करता है और ये बिल्ली घंटी का बात करता है। नहीं नहीं मिसेस पिंटो, जस्ट सेइंग, एक कहावत है, ये बोलता है कि विशाल को कौन बताएगा। हम बताएगा और आज ही बताएगा। आज ही तलाक हो जाएगा। डोंट बी सिली या अंकल, प्लीज डोंट स्पॉइल माय बर्थडे। हाँ ठीक है, कल कितने बजे की मीटिंग रखी आपने? 4 बजे की। 4 बजे और एक्सपोर्ट की डिस्कशन? 1 बजे और लंच के बाद बैंक वालों से। ओके, तो मैं काम करता हूँ, 1 बजे लंच के बाद सीधा बैंक में मिलता हूँ। ओके ओके जी। अरे तुम कब से खड़ी हो? जब से फोन पे बातचीत हो रही है। बहुत बिजी हो गए आप? काम कर रहा हूँ बॉस, आप ही का तो सेवक हूँ। सब खोखली बातें। ठीक है, करते रहिए काम। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है, जन्मदिन तो मेरा है ना। जन्मदिन कब? कल है, सोचा था कि खैर जाने दीजिए, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब जन्मदिन क्या मनाना। फिर ख्याल आता है इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। मधु, भगवान के लिए फिर कभी ऐसे शब्द मत निकालना। देखना कितना शानदार जन्मदिन होगा तुम्हारा। तुम बड़ी
तुम बड़ी खूबसूरत हो। बोलिए, आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं हूंगा तो खुश हूंगा तुमसे। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में विशाल को देख के मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सबको भूल गया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रही थी। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज शादी को तुमने मजाक बना दिया। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। अंकल मैं तो अपनी तसल्ली के लिए। तसल्ली? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। प्लीज इस झूठ को बंद करो और उसे सच बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मेरा मधु को सीधा रास्ता दिखाओ। वो अपना हस्बैंड से जो झूठ बोला है ना, उसको माफ कर दो। वो अभी बच्ची है, उसको लाइफ का समझ नहीं आया। देखो माँ, उसका शादी बनाए रखना हाँ, और उन दोनों को खुश रखना। मैं तुम्हारे पास ये कैंडल हर वक्त आकर जलाया करेगा। उसको शक्ति दो माँ कि वो अपना हस्बैंड से सब सच बोलते हैं। प्लीज माँ, उसको शक्ति दो। बंद कर देता हूँ, तुम लेटी रहो। नहीं रहने दो, हवा अच्छी लग रही है, थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जाऊं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं खिड़की खुली रखता हूँ। नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं साथ चलूं? नहीं, मैं जाती हूँ। आर यू श्योर? यस। अच्छा, बारिश हुई तो अंदर आ जाना, भीगना मत। Thank you.
तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रहे हो। ये शादी करके तुमने मुझ पर एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ शादी को तुमने मजाक बना दिया। ये मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगी। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान? मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों सता रही हूँ उसे? कैसे कहूँ कि ये सब झूठ था? कैसे कहूँ कि मैं प्यार करती हूँ उसे?
कदम जरा पास आ। मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया। अब तो कहो मेरे सनम फिर कब मिलोगे, अब तो कहो मेरे सनम फिर कब मिलोगे। मिलेंगे जब हाँ, हाँ, हाँ बारिश होगी, मिलेंगे जब हाँ, हाँ, हाँ बारिश होगी। अरे मधु तुम? हाँ मैं, चलो उठो लेट जाओ। हाँ लेकिन मधु मैं वहाँ? हाँ लेटो ना। नहीं नहीं मधु, मुझे सोफे पे सोने की आदत पड़ चुकी है। देखो मुझे और गुनहगार मत बनाओ, अनजाने में बहुत अपराध हुआ है मुझसे, चलो सो जाओ। नहीं मधु, तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी। बहुत जगह है मेरे लिए, तुम सो जाओ। लेकिन तुम्हें मेरी कसम। लेकिन मधु तुम ये क्या कर रही हो? अरे मधु तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी ना। तुम्हारे दिल में तो जगह है ना मेरे लिए। हाँ मधु बहुत जगह है, बहुत जगह है। ये लो। बस भाई दो टोस्ट तो खा चुका, तुम खा लो। लो मैं खिलाता हूँ, चलो मुंह खोलो। अच्छा खाती हूँ, खाती हूँ। पहले ये बताओ कि तुम घर कितने बजे आओगे? भाई 6-7 बजे। जल्दी नहीं आ सकते? कितने बजे आऊँ? 5 बजे। ठीक है 5 बजे आ रहा हूँ। ओके सी यू देन, बाय बाय। ये क्या कोई नया नाटक है बेबी? आपको तो सब कुछ नाटक ही दिखता है, सच्चाई नहीं दिखती। इस छोकरी का कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करेगा। क्या कहा? साहब ऑफिस से निकल चुके? ओ वाओ! आवाज क्यों बंद हो गया? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुमको तो खेलने का वास्ते खिलौना मांगता है ना, खेलो उस बेचारे का साथ में। ये लो, आजकल लगता है किसी को और कोई काम ही नहीं है, बस मधु को ढूंढो और शुरू हो जाओ लेक्चर देने के लिए। तुमको कितना भी लेक्चर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा भेजा का अंदर भूसा भरा है। हाँ हाँ मेरे दिमाग में तो भूसा है, कचरा है। खुश हो गई तसल्ली? हमको तसल्ली से क्या होगा, तुम अपना फिक्र करो। सारा घर वालों को झूठा बना दिया, जिस बीमारी का नाम लेते हुए दुनिया वाला डरता है उस बीमारी का झूठा बहाना बनाया। पता नहीं हम क्या सोचकर चुप हो जाता है, वरना हम विशाल को सब कुछ बता देता। क्या बता देती? यही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है बता दो, मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे भी यही शक था। तुम? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ सब कुछ सुन लिया मैंने। देखो बेटा इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये सारा सुरूर इसका। सुरूर नहीं नैनी, कुसूर। हाँ हाँ बात तो समझ में आ गया ना, ये झूठ बोल कर... मुझे मालूम है नैनी, इसी ने झूठ बोलकर फोन किया और मुझे घर बुलवा लिया। ओह तो तुमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी? इतनी सी बात? ये कितनी सी बात है कि तुमने तबीयत खराब होने का बहाना किया और मैं सब काम छोड़ गया, भागा चला आया। इंटरवल के बाद आया है, पूरा स्टोरी तो सुनाई नहीं। जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मधु प्लीज ऐसे झूठ मत बोला करो, भगवान से डरो। बिल्कुल ठीक बोला, गॉड से डरो, समझा? क्यों क्या पाप किया मैंने? यही हर वक्त बीमारी का बहाना करना, भगवान ना करे
कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। ओफो, तुम्हें वापस ऑफिस जाना है तो जाओ। ओके बाबा ओके, अब जाने का मन नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहीं घूमने चलें? सच? Bye.
एक हाल में खोया रहूं हमेशा मैं तेरे ख्याल में तेरे सुहागन रो, कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप हमेशा सलामत रहें, आपका साया हमेशा हमारे सर पे रहे। बेटी माँ जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटी। मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्या कहा बेटी? जी जी कुछ नहीं, बस यूं ही। मिसेस पिंटो। यस सर। मधु क्या कर रही है? कोई नया नाटक, बेचारा विशाल से सेवा करा रही होगी। वेरी गुड, क्या बुराई हो रही है मेरी? अजी हम कौन होते हैं आपकी बुराइयां करने वाले। मिसेस पिंटो, आज आपका खाना हम बाहर खाएंगे। यस सर। क्या बात है अंकल, आज आपका मूड कुछ? जी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? मदद। कोई मदद वदद नहीं भाई, हद होती हर बात की, हर वक्त हमसे झूठ बोला जा रहा। झूठ नहीं, मेरी खातिर एक सच बोल दीजिए ना। कौन सा सच? विशाल को सच बता दीजिए। क्या? यही कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो आपने सच बताने का फैसला कर लिया? जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है तो बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए ना। जी नहीं, ये खेल आपने शुरू किया था, आप ही इसको खत्म करेंगे। ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, ये चेहरे पे उदासी क्यों? शाम को क्या प्रोग्राम है आपका? अरे आपका बदन तो आग की तरह तप रहा है, आपको तो बुखार है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी क्या है। मैं बहाने नहीं बना रही, आपको वाकई बुखार है। अंकल अंकल। हाँ बेटी क्या हुआ? अंकल देखो विशाल को कितना तेज बुखार है। मधु तुम है बुखार भाई? अरे अंकल मामूली सा फीवर तो है। चलो ना। बट अंकल इट्स वेरी माइनर। बैठो ना। मधु मधु तुम बस कमाल करती हो। लेटो। अंकल मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। बट अंकल आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वाइट। सांस लो। ओके। दर्द होता है? हाँ हल्का सा। कब से? यही कुछ दिनों से। नर्स इमीडिएट एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट। यस सर। जी अंकल भी बस।
ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ नहीं बेटे, सच है। उसे कैंसर हुआ है। मिस्टर विशाल, अब आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हैं। अब उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अब यकीन आया बेटे? भाई मेरी बात पे इनको विश्वास नहीं आता। घर की मुर्गी दाल बराबर। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। मैं तो आपका एहसान मंद हूँ। माँ को ठीक करके आपने मुझे नई जिंदगी दी है। ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे दूसरा जन्म मिला हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। आप जानती है कि विशाल को क्या बीमारी है, फिर भी आप चाहती कि मैं सच सवर के बैठूं? मुझे मालूम है बेबी, लेकिन हमको ये सब क्या पता। ये तो माँ जी ने कहा है। माँ ने? हाँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि आज करवा चौथ है। ये वो व्रत है जो हर सुहागन अपने पति की सलामती के लिए रखती है और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। मधु अपना पति का जिंदगी का वास्ते ये कपड़ा पहनेगी। क्यों मधु? पहनेगी ना। हाँ माँ जी, मैं उनकी जिंदगी के लिए कुछ भी करूंगी। प्रार्थना करूंगी कि उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए।
मैंने मधु को अपना सगा औलाद का माफिक पाला है, उसको माँ का कमी महसूस नहीं होने दिया। अब वो अपना हस्बैंड का बीमारी का खबर सुनकर मर रहा है और कोई माँ अपना बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। हर माँ तुम्हारा जैसा मजबूत तो नहीं हो सकता ना, तुमने तो अपने बेटे को क्रॉस पर चढ़ते हुए देखा है माँ। मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती माँ। मैं भी बेबस और मजबूर हूँ बेटी। जहां तक मेरे पेशे और दवाइयों का ताल्लुक है, मेरी कोशिशें जारी रहेंगी, आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। वैसे विशाल की मेडिकल रिपोर्ट मैंने अमेरिका भेजी है, वहां के अच्छे डॉक्टरों की टीम मेरी मदद कर रही है। लेकिन होगा क्या? वही होगा बेटी जो भगवान को मंजूर है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मैं क्या करूं अंकल? वही करो बेटे जो विशाल तुम्हारे साथ करता आ रहा है, उसे खुशियां सुख दो बस। एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे अपने हिल स्टेशन के बंगले पर ले जाओ, शायद उसकी सेहत में फर्क पड़े। और एक घंटे में? क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम आराम करो, ऊटी पहुंचते ही मैं तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करा दूंगी। मैं क्या करूं अंकल, बुखार कभी नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो बेटी, तुम एक बहादुर लड़की हो, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। Be brave and don't worry, हम आ रहे हैं। जी अंकल। शाम तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकल जी मधु भी बस जरा सा बुखार हुआ और आप सबको फोन करके बुला लिया। बच्ची है, घबरा गई थी। मैंने कभी टूटी देखा नहीं था। टूटी नहीं मिसेस पिंटो, ऊटी। बात तो समझ में आ गया ना? आ गई मिसेस पिंटो। भाई हमें तो बड़ी सख्त भूख लगी है, हम तुम लोगों के मेहमान हैं, हमें कुछ नाश्ता वास्ता खिलाओगे कि नहीं? जी अंकल। बहन जी आप भी जाके नहा लें और फ्रेश हो जाएं, और विशाल बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ तुम भी थक गई होगी। नहीं बेटा, हम लोग तो बड़े आराम से आए हैं। चलिए बहन जी। अच्छा बेटे तुम भी आराम करो। हाँ अंकल। हाँ बेटे। अंकल मुझे मुझे क्या बीमारी है? इतने ढेर सारे टेस्ट लिए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट? अरे वो रिपोर्ट तो कभी की आ चुकी। तो फिर क्या? ये दर्द, ये बुखार क्यों होता है मुझे अंकल? बोलिए अंकल बोलिए। बेटे विशाल बात असल में ये है और कोई खास बात नहीं है। हुआ ये है बेटे कि तुम्हें तुम्हारे पेट में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर? हाँ ट्यूमर, इलाज है उसका और ऑपरेशन भी हो सकता है, मगर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कुछ दवाओं से उसको दूर करने की कोशिश करूं। दूर हो जाएगा। आर यू श्योर अंकल? वेरी श्योर। और अब आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप करें अपना काम, मतलब ये कि आराम। वही तो कर रहा हूं। गुड। मधु तुम रात भर जागती रही मेरी खातिर? आपकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई और मैं सो जाती आराम से? अरे पगली हल्का सा बुखार ही तो हुआ था, कोई मर थोड़ी जाता।
भगवान के लिए ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालो। आई लव यू विशाल, आई लव यू। रो मत बेटे, हिम्मत से काम लो। और तकदीर ने भी क्या मजाक किया है हमारे साथ। जो शतरंज बिछाई थी खेलने के लिए, उसी पर हमारी ही मात हुई और हमारा मजाक थप्पड़ बन के हमारे ही मुंह पर पड़ा। मुझे सजा दी है भगवान ने। आपने ठीक ही कहा था कि मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी है। मुझे नहीं मालूम था अंकल कि एक दिन यही झूठ सच बनकर मेरी ही मांग का सिंदूर बन जाएगा। मधु, काश बीमारी मुझे लग गई होती। बेटे, मेरे विशाल को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस करो ना बेटे। मैं क्या कहूँ उससे, कब तक असलियत छुपाऊं, कैसे उसका सामना करूं? We must tell him the truth, बेटी। विशाल को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, विशाल की बीमारी का अगर माँ को पता चल गया तो वो विशाल से पहले खत्म हो जाएंगी। माँ ने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, ये गम तो उनकी जान ले लेगा। तो फिर करें क्या बेटी? जिस तरह वो मेरी झूठ मूठ की बीमारी को सच मानकर मुझसे छुपाता रहा, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब जितने भी दिन उसकी जिंदगी के बचे हैं, मैं उन्हें खुशियों से भर दूंगी, खुशियों से भर दूंगी। तारीख नहीं बदली, ऊपर के पन्ने फाड़ देता हूं। नहीं विशाल, रहने दो। क्यों? तुम ही तो कहते थे कि पुरानी तारीख अच्छी नहीं लगती, नया दिन नई तारीख। अब अच्छा लगता है। चाहती हूं कि वक्त यहीं थम जाए, हमेशा हमेशा के लिए। कितना अच्छा मौसम है, बड़ा सुकून है यहाँ। शहर की तरह शोरगुल नहीं है। जी हाँ, और यहाँ की फिजा आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। मेरी सेहत तो अच्छी होती जा रही भाई साहब, लेकिन विशाल की तबीयत तो जरा सी कमजोरी ही तो हुई है माँ। और अब तो मैं काफी फर्क भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, 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 फर्क तो महसूस कर ही रहे होगे। बिस्किट लीजिएगा। आहा मिसेस पिंटो, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारियाँ? सर जरा मार्केट तक जा रही हो, किसी को कुछ मांगता तो नहीं? हाँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सलाइयाँ लेते आइएगा। स्वेटर बनोगी माँ? हाँ, लेकिन जब तक स्वेटर बनेगा तब तक तुम वापस भी लौट जाएंगे। एक रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती? रेडीमेड नहीं चाहिए बेटा, ऊन मिल जाए तो थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे। मोजे किसके लिए? अपने पोते के लिए। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। डोंट फॉरगेट द वर्ड मिसेस पिंटो। हाँ यस सर। हाँ।
सोच रहे हो? हाँ? इस झील के बारे में। बहुत बड़ी झील है ना, तुम्हारी तरह तुम भी विशाल और ये झील भी विशाल। नहीं ऐसी बात नहीं है, झील मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर झील मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। जानती हो मधु, जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर से एक झील दिखाई देती थी, अक्सर मैं और मेरे डैडी उस झील के किनारे बैठा करते थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे तैराक थे, वो चाहते थे कि मैं भी तैरना सीख लूं, लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा। तुम बोर तो नहीं हो रही? बोर क्यों, तुम तो मुझे भी अपने साथ बचपन में ले गए थे। वैसे कल तक तो इस बात का यकीन हो चला था कि इंसान हमेशा बच्चा बना रहता है, जब तक वो हर काम हर दुख को भूल कर जीना चाहे। कल तक यकीन था तो आज क्या हुआ, बहुत सीरियस लग रही हो? नहीं तो। चलो मधु, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं और लौट चलते हैं फिर वही बचपन की किसी हसीन झील के किनारे, जहां हरी हरी घास हो, जहां झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा हो, जहां आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध के बादल।
मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए, अब न कभी रूठे तेरी वादों का मौसम, मेरे विशाल को कुछ ना हो, ये बारिश रोक ले भगवान, ये बारिश रोक ले। सारा कसूर मेरा है, ना रुकता तो अब तक घर भी पहुंच चुके होते। मधु को अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अगर सर्दी लगी तो जानती हो ना, जरा सी बात में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी भी तो, तुम बीमार पड़ गए तो। चलो कम ऑन, चुपचाप ये जैकेट पहनो। ओफो। हाँ अब ठीक है, शाबाश। लेफ्ट, तुम्हें प्लीज रोकिए रोकिए। क्या हुआ? ऐसे मेन रोड तक छोड़ देंगे? बैठ जाओ मधु, कम ऑन हरी अप।
तुम पीछे बैठ जाओ। चुक चुक चुक, सदा सुहागन रहो बहू। मैंने सुहागरात को बैराग की रात में बदल दिया। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। एक ज्वालामुखी बनेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। झूठ नहीं बेटे, सच है, उसे कैंसर हुआ। अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सिलाइयां लेते आइएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे अपने पोते के लिए। वो पोता कभी नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा इस घर में। तू कभी माँ नहीं बन सकेगी, माँ नहीं बन सकेगी। कोई तुझे माँ नहीं कहेगा, माँ नहीं कहेगा। विशाल के साथ साथ तेरी माँ की उम्मीदें सब सपने खाक में मिल जाएंगे। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मधु, क्या हुआ? एक बात कहनी थी। कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? पहले वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगी सुनकर मुझे माफ कर दोगे, नफरत नहीं करोगे मुझसे। नफरत और तुमसे? अरे पगली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहो क्या बात है। पहले वादा करो। वादा? मुझे गलत मत समझना विशाल, मेरी एक सहेली थी नीना, चंद ही महीने हुए थे उसकी शादी को, पता चला एक दिन वो जलकर मर गई। वो खुद नहीं जली थी बल्कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे जलाया था। इस सदमे ने मेरे अंदर मर्दों के लिए नफरत पैदा कर दी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, बहुत से रिश्ते आए लेकिन मैंने ठुकरा दिए। नैनी और अंकल ने कितने जतन किए, लाखों कस्में दी, फिर एक दिन थक कर मैंने हार मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। उस भीड़ में तुम भी थे, सबसे अलग। मैं मान गई, शादी हो गई और तुमसे दूर रहने के लिए जो नाटक मैंने खेला था वो नाटक चलता रहा। नाटक? हाँ, बीमारी का नाटक। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं थी विशाल, वो सब ढोंग था, झूठ था। तुमसे दूर रहने और तुम्हें परखने का एक बहाना था। क्या? हाँ विशाल, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम दिन रात मेरी सेवा करते रहे। मुझे इतना प्यार देने लगे कि मुझे खुद से शर्म आने लगी। तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरी जुबान पर लाखों ताले लगा दिए। मैं डरती रही कि अगर अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत और माँ की ममता को हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ विशाल। मैं तुम्हारा विशाल, 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 नहीं विशाल, माजी, अंकल, विशाल, नहीं विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विशाल, अंकल, नहीं माजी, नहीं।
अंकल, विशाल कैसा है? I'm sorry बेटे, उसे मैं बचा ना सका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, विशाल, विशाल तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, विशाल, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मधु, मधु, होश में आओ। विशाल, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा तुझे पगली, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ मुझे। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हारा तो भेजा फिर गया है। तुम कुछ भी समझो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं माँ बनूंगी। मैं विशाल के बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मधु बेबी। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि विशाल को जानलेवा बीमारी है। हाँ बेटी, वो बीमार है। बीमार है तो क्या हुआ? आप किस बात के डॉक्टर हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं आपने? क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? क्यों लोग सुबह शाम हाथ उठाकर आपको दुआएं देते हैं? दुनिया भर के लोगों को शफा और जिंदगी देने वाला डॉक्टर आज अपनी बेटी के सिंदूर को मिटने से नहीं बचा पा रहा। ये मत कहो बेटी, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान दे के तुम्हारे सिंदूर को बरकरार रखूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। किस बात की मजबूरी है अंकल? आपकी तालीम और डिग्रियों की या फिर दौलत की? दौलत की नहीं बेटी, हम सबके ऊपर भी एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। ये सब उसी की मर्जी से तो हो रहा है। ये सब मेरे ही गुनाहों की सजा है। मेरे प्यार को नजर लग गई, मेरी अपनी नजर लग गई। आपने ठीक ही कहा था अंकल, मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। झूठ बोलकर शादी की कि मुझे कैंसर की बीमारी है। काश कि मैंने ये झूठ नहीं बोला होता, काश कि ये बीमारी मुझे लग गई होती। लेकिन मेरे विशाल को कुछ नहीं होता, उसे कैंसर का रोग नहीं होता। आप मेरी तमाम दौलत ले लीजिए, ये घर, ये जायदाद सब बेच दीजिए, लेकिन मेरे विशाल को बचा लीजिए अंकल, उसे बचा लीजिए। हम मजबूर हैं मेरी बेटी, अमेरिका के डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या लिखा है उसमें? यही कि चंद दिनों का मेहमान है हमारा विशाल। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे विशाल को कुछ हो गया ना तो मैं आग लगा दूंगी इस दुनिया को, आग लगा दूंगी मैं इस संसार को। मधु, मधु तुम आओ बैठो, क्या बात है? विशाल मुझे कहीं बाहर ले चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अच्छा चलो। चलो विशाल, वोटिंग के लिए चलते हैं। वोटिंग के लिए? मगर हाँ, नहीं ले चलोगी मुझे? हाँ क्यों नहीं, चलो। वोटिंग करा था कैसे? तुम्हें झील बहुत अच्छी लगती है ना विशाल, याद है एक दिन तुमने कहा था चलो फिर बचपन की किसी हसीन झील के किनारे लौट चलते हैं, जहाँ पर हरी हरी घास हो, झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा, आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़। आज मैं फिर वही झील ढूंढने आई हूँ विशाल। जब तक प्यासे दिल पे ना कोई दूजा रंग चढ़े, कम ना हो हर लम्हा तेरी चाहत और...
विशाल को लेके इस झील में कूद जाएगी, खत्म कर देगी विशाल के साथ खुद को भी, और ये कहानी खत्म हो जाएगी। धिक्कार है तुझ पर, अपने पति की जिंदगी के बचे हुए वो चार दिन भी छीन लेना चाहती है तू उससे। कौन होती है तू ये फैसला करने वाली? कोई अधिकार नहीं है तुझे उसकी तकदीर लिखने का, एक माँ से उसका बेटा छीनने का। तू उसका विधाता नहीं है मधु, तू भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तू, भगवान नहीं है तू, भगवान नहीं है तू, भगवान नहीं है तू, भगवान नहीं है। कौन हूँ मैं, एक अधूरी पत्नी, देवता समान पति को धोखा देने वाली एक ना समझ औरत, झूठ की सेज पर सजी सवरी एक परछाई, एक ऐसी अधूरी माँ जिसकी कोख से किसी के घर का कोई चिराग रोशन नहीं होगा, एक ऐसी बहू जो अपनी सास की हर उम्मीद को खुद अपने हाथों से दफन कर देगी। अग्नि का अपान मैंने किया है, उसकी परीक्षा मुझसे ले, अर्धांगिनी बना दिया तो विशाल की बीमारी मुझे दे, कसूरवार मैं हूँ, मौत मुझे दे। तुझे इंसाफ करना होगा माँ, इंसाफ के पलड़े में एक तरफ एक गुनेगार औरत खुद खड़ी है और दूसरी तरफ उसकी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र। गौर से देख कौन सा पलड़ा भारी है, मेरे सिंदूर के रंग और इन काले मोतियों का, या फिर मेरे गुनाहों का। आज तुझे न्याय करना होगा माँ, वरना तेरी इस चौखट पर मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। मधु बस, हो गया तेरा पश्चाताप। क्या? हाँ बेटे, विशाल को कोई बीमारी नहीं। ये सोच सोच के मैं तड़पता और रोता रहा कि विशाल के साथ ये मजाक किया क्यों, एक ऐसे देवता समान इंसान के साथ जो सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी और खुशी के लिए अपनी खुशियों को भूल के तेरी फिक्र में पड़ गया, जो पति होके भी तेरा पति ना बन सका, जिसे खिलौना समझ कर तू हमेशा खेलती रही, जिस पति की सेवा करना तेरा धर्म था उसी से तू दिन रात सेवा करवाती रही। बेटी बाप बनकर पाल तो मैंने तुझे लिया, मगर मां बनकर एक आदर्श पत्नी के संस्कार मैं तुझे ना दे सका, इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। लिवर की मामूली सी सूजन को कैंसर का नाम देके मुझे झूठ बोलना पड़ा, सिर्फ तेरी भलाई के, तेरी अच्छाई के लिए, ताकि विशाल से बोले हुए हर झूठ का पश्चाताप तू कर सके। आज वो पश्चाताप हो गया, आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया। देख हो रहा तेरा बलमा। माफी मांगनी है बेटे तो इससे मांग, जिसकी गरीबी और मासूमियत से तू हमेशा खेलती रही। सच्चाई जान के अगर ये चाहता तो हमारे मुंह पे थूक के चला जाता, मगर नहीं गया, इसलिए कि ये वाकई तुझसे प्यार करता है। इसने न सिर्फ मुझे बल्कि तुझे भी माफ कर दिया, और देख आज फिर ये तुझे लेने आया है। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। नहीं मधु, नहीं, तुमने तो मुझे प्यार की इतनी बड़ी दौलत दी है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। जो सुख तुमने मेरी मां को दिए वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी खातिर भगवान से भी लड़ने को तैयार हो सकता है। विशाल, मेरे विशाल। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो।